देखिए, स्वधा की इतनी खराब हालत देखकर बस किसी भी तरह से उसे ठीक करने की कोशिश करता है और चाहता है कि उसकी आंख खुली रहे, पर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। केके को ऐसे देखकर प्रवीण चिल्लाकर यूसुफ से कहता है, यूसुफ गाड़ी जल्दी चलाओ, भाभी की तबीयत खराब हो रही है। राहुल की बात पर यूसुफ चिल्लाकर कहता है, मैं जितना तेज चला सकता हूँ उतनी तेज गाड़ी चला रहा हूँ। फिर राहुल आगे कहता है, फालतू बातें मत करो और गाड़ी चलाओ। स्वधा नहीं जानती है कि इस वक्त केके कितना ज्यादा परेशान है और कितना दुखी है। केके अपना सिर नीचे करके स्वधा को बहुत कसकर पकड़ के बैठा हुआ है। उसकी आंखों में इतना दुख है वो किसी को बता नहीं सकता है। शायद उसे पहली बार इतना दुख हुआ है और वो धीरे धीरे बस इतना ही कह रहा है, स्वधा उठो, आंखें खोलो स्वधा, उठो ना, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। केके के बगल में राहुल और प्रवीण भी बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पता है कि केके को इस वक्त कैसे शांत करना है। वो ये नहीं जानते थे कि केके कभी इस तरह से भी बिहेव करेगा, पर केके को इतना दुखी और परेशान देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। गाड़ी बहुत तेज चल रही है। कुछ ही देर में बहुत तेजी से ब्रेक लगता है और यूसुफ कहता है, हम अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही केके ने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और यूसुफ को देखा। उसके बाद राहुल और प्रवीण गाड़ी से बाहर निकले और दरवाजा खोला। केके ने स्वधा को अपनी गोद में उठाया और अंदर की तरफ भागने लगा। स्वधा के शरीर से बहुत खून बह रहा है। केके दौड़ते हुए स्वधा को लेकर हॉस्पिटल में घुस गया। हॉस्पिटल के फर्श पर स्वधा का खून हर जगह गिरता जा रहा है। हरीश के पास पहले ही राहुल का फोन आ चुका है। वो सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ है। उन्होंने जैसे ही स्वधा को अपने सामने देखा वो हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई भी इंसान इतनी बुरी तरह से घायल हो सकता है। केके ने हरीश को देखा और स्वधा को बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद हरीश का कॉलर पकड़कर उसे बोला, इसे ठीक कर दो। हरीश थोड़ा नर्वस होकर बोला, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? केके ने कहा, अगर तुम इसे जिंदा नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और हॉस्पिटल में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। हरीश केके की बात सुनता है और उसके माथे पर पसीना छा जाता है। बस वो धीरे से कहता है, अब चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें बचा लूंगा। केके ये सुनकर हरीश के कपड़े छोड़ देता है और स्वधा की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, स्वधा तुम चिंता मत करो, और तुमने मुझसे वादा किया है ना कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, बस मुझे अकेला छोड़कर मत जाना और उस वादे को मत तोड़ना। इसके बाद हरीश स्वधा को लेकर ऑपरेशन रूम में जाता है। ये सब कुछ हरीश बहुत ही जल्दबाजी में करता है। केके और उसके साथ के बाकी सारे लोग ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। काफी देर तक सभी लोग बाहर ही खड़े रहते हैं और एक एक पल केके के लिए कई सालों के बराबर बीत रहा है। केके लगातार चल रहा है, उसके पैर जैसे एक जगह पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। केके इस वक्त इतने गुस्से में है कि उसी गुस्से में वो दीवार पर जाकर अपना हाथ मार देता है और उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग जाती है। उस चोट से केके के हाथों से हल्का सा खून बहने लगता है। इसे देखकर प्रवीण कहता है, भाई आप क्या कर रहे हैं? प्रवीण राहुल से कहता है, राहुल इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ और बोलो कि इनके हाथों में पट्टी कर दे। इस पर केके बहुत ही गुस्से में कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर राहुल वापस केके की तरफ देखता है। वो जानता है कि वो चाह कर भी केके की किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। इस वक्त केके के मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। प्रवीण उसका चेहरा देखकर कहता है, आप इतनी चिंता मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है स्वधा भाभी ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर भी केके कुछ नहीं कहता, बल्कि ऑपरेशन रूम के बाहर वाले कांच से अंदर देखने की कोशिश करता है। वो अंदर देख रहा होता है कि तभी यूसुफ के पास एक फोन आता है। हेलो, दूसरी तरफ से आरती की घबराई हुई आवाज आती है। क्या हो रहा है वहाँ? क्या आपको कुछ पता चला स्वधा के बारे में? क्या स्वधा ठीक है? यूसुफ ने कहा, चिंता मत करो, स्वधा भाभी को हमने ढूंढ लिया है और उन्हें बचा लिया है। इतना सुनकर वहां से आरती की खुशी से भरी आवाज आती है,
सच में आपने स्वधा को बचा लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वधा कैसी है अभी? यूसुफ आरती की बात सुनता है और उसके बाद ऑपरेशन रूम की तरफ देखकर कहता है, अभी स्वधा भाभी हॉस्पिटल में है और उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। आरती ये सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस होकर कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हुआ है स्वधा को, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या? कौन से हॉस्पिटल में है आप, मुझे बताइए, मैं अभी वहां आती हूँ। यूसुफ इस पर पूछता है, क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया है? इस पर आरती कहती है, मुझे अपनी पैर की कोई चिंता नहीं है, मेरी चोट स्वधा की चोट से बड़ी नहीं है। आप मुझे जल्दी से हॉस्पिटल का एड्रेस भेजिए, मैं अभी आती हूँ। ये सुनते ही यूसुफ बस इतना ही कहता है, अच्छे से गाड़ी चलाना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद आरती तुरंत फोन रखती है और सीधे अपनी कार की तरफ लंगड़ाते हुए भागती है। गाड़ी चलाते हुए खुद से बातें करते हुए वो कहती है, हे भगवान, स्वधा के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। स्वधा, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो गाड़ी चला ही रही होती है कि तभी उसके पास उसके भाई का फोन आता है। वो स्पीकर ऑन करती है और कहती है, हाँ भाई। वहां से उसके भाई आलोक की आवाज आती है, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, क्या तुम लोगों ने स्वधा को ढूंढ लिया? आरती बताती है, हाँ वो अभी हॉस्पिटल में है और मैं वहीं जा रही हूँ। आरती की आवाज सुनकर आलोक घबरा कर कहता है, क्या बात कर रही हो, स्वधा हॉस्पिटल में है, तो मुझे भी एड्रेस भेजो, मैं अभी वहां आता हूँ। आरती ने बस इतना ही कहा, ठीक है फिर आप भी आ जाइए। आधे घंटे के अंदर आरती हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और वो लंगड़ा कर अस्पताल में चल रही है। अस्पताल पहुंचकर उसने एक नर्स से पूछा, नर्स मुझे बताइए, अभी चार लोग एक लड़की को लेकर आए हैं, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहां पर है? वो नर्स कहती है, हाँ मैंने देखा था उसे, वो लोग एक घंटे पहले आए हैं और ऑपरेशन रूम के पास है, आप उस तरफ जा सकती हैं। आरती ने कहा, थैंक यू। इसके बाद आरती दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम तक पहुंचती है और चिल्ला कर कहती है, स्वधा। ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहे लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब यूसुफ देखता है तो जल्दी से आरती के पास आता है। आरती उससे पूछती है, अभी स्वधा कैसी है? यूसुफ ने कहा, वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है। आरती अपने आप को दोष देते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने उसे मिलने के लिए नहीं बुलाया होता तो अभी स्वधा को कुछ भी नहीं होता। यूसुफ उसे समझा कर कहता है, इतना ज्यादा मत सोचो, तुम पहले बैठ जाओ। उसके बाद आरती बैठ जाती है और काफी देर तक सारे लोग चुपचाप बैठकर इंतजार करते हैं। उसी वक्त आरती का ध्यान केके के शरीर पर जाता है, उसके शरीर पर चोट लगी हुई है। आरती उससे बात करना चाहती है पर उसे डर है कि अगर उसने केके से कुछ बात की और उसे सच बताया तो केके उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तभी किसी के चलने की आवाज आती है। केके जैसे ही इन कदमों की आवाज सुनता है वो पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने इस वक्त आरती का भाई आलोक खड़ा हुआ है। आरती आलोक की तरफ जाती है, आलोक आरती को देखकर इग्नोर करता है और गुस्से से केके की तरफ आगे बढ़कर कहता है, ऐसे तुम स्वधा का ध्यान रख रहे हो, इसी दिन के लिए तुमने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। आरती जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, भाई आप क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? केके उसकी तरफ देखता है और आलोक की गुस्से भरी आंखें देखकर भी केके पर कोई असर नहीं होता। केके उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। आलोक ने इस वक्त केके का कॉलर पकड़ा हुआ है। केके बस अपना हाथ निकालकर आलोक का हाथ नीचे करता है और कहता है, तुम्हें किसने ये हिम्मत दी कि तुम मुझसे इस तरह का सवाल करो? केके की ऐसी बात सुनकर आलोक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे केके के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देता है। सारे लोग ये देखते रह जाते हैं। आज तक किसी ने भी केके को थप्पड़ खाते हुए नहीं देखा था। भले ही आलोक ने केके को थप्पड़ मारा है पर मास्क की वजह से केके को चोट नहीं लगी है, लेकिन केके ने जो बड़ा सा मास्क पहना हुआ है उस मास्क की वजह से आलोक के हाथ में चोट लग गई है। बाकी लोगों को भले ही कुछ भी समझ नहीं आया हो लेकिन केके को सब समझ आ गया है और उसने एक ही पल के अंदर आलोक के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। ये थप्पड़ बिल्कुल आलोक के थप्पड़ की तरह ही था।
केके का मारा हुआ थप्पड़ इतनी जोर का था कि आलोक एक पल को नीचे गिरते गिरते बचा। आलोक की ऐसी हालत देखकर आरती ने कहा, भैया क्या आप ठीक हो? आलोक ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और उसके बाद केके और बाकी लोगों को शर्मिंदगी से देखा। केके ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी से भी लड़ाई कर सकते हो? केके की बात सुनकर आलोक ने उसे बहुत गुस्से से देखा। उसके चेहरे के हर हिस्से पर गुस्सा दिख रहा है। प्रवीण और बाकी सभी सब कुछ देख रहे हैं, पर किसी ने भी आगे बढ़कर एक भी शब्द कहने की कोशिश नहीं की है। इसी बीच यूसुफ ने आरती को देखा और आलोक को ठीक करने के लिए उसे अपने पास बुला लिया। असल में यूसुफ इस बारे में आरती से बात करना चाहता है। उसने आलोक को थोड़ा दूर ले जाकर बिठाया और उसके बाद आरती से कहा, तुम्हें अपने भाई को नहीं बताना चाहिए था कि स्वधा किडनैप हो गई है। तुम्हें हम पर विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में उसे बचा सकते हैं। प्रवीण ने कहा, अभी शांत रहो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्वधा एक बार ठीक हो जाए। जब सब लोग बातें कर रहे हैं तब केके ने फिर से एक बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा। आरती अपने भाई को देखकर सीरियस होकर कहती है, भैया बैठ जाइए और फालतू में झगड़ा मत कीजिए किसी से, ये हॉस्पिटल है। आरती की बात सुनकर आलोक चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। आरती अपने भाई की तरफ देखती है और वो भी उसके बाद कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। आरती लंगड़ाते हुए चल रही है। उसे देखकर आलोक पूछता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? आरती ने कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। आलोक ने कहा, दिखाओ मुझे। आरती ने जिद करते हुए कहा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है भैया, आप क्या फालतू में मेरे पैर के बारे में सोच रहे हैं? आलोक अपनी बहन आरती के जिद्दी स्वभाव को जानता है, इसलिए उसने इसके आगे कोई भी सवाल नहीं किया। कुछ ही देर में सब लोग शांत हो गए और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होने का इंतजार करने लगे। हर किसी को ये 5 घंटे 5 साल की तरह लग रहे हैं। केके तो ऐसे इंतजार कर रहा है जैसे कई 100 साल गुजर गए हैं। कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और उस रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही सबने दरवाजा खुलने की आवाज को सुना, सारे लोग अपना दिल थाम कर खड़े हो गए। हरीश ऑपरेशन रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ है और वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा है। केके बहुत जल्दी से आगे आया और उसने फिर से हरीश का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, कैसा रहा सब? स्वधा ठीक है ना? ठीक है ना वो? क्या स्वधा ठीक है? क्या हरीश उसे बचा पाया है या फिर स्वधा ने केके को अकेला छोड़ दिया है? स्वधा के साथ हुए इस बर्ताव का केके कैसे बदला लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए।